9 मई की तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात हुए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का कहना है, ये सारा मामला 10 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था। मुलजिमान के इंटरव्यूज करने पर पता चला ये बगावत है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई भी पर्चे में नामजद हैं। 10 अप्रैल 2022 जब हटाया गया था चेयरमैन पीटीआई को, ये वहां से स्टार्ट हुआ है। And then we came to know that it was a whole conspiracy, right? So बगावत की आपने बात की है, yes, इसमें 120B लगाया गया है। हमारी जो स्टेट है, आप अगर उसको इनकेपेसिटेट कर देंगे, आप अपनी ही आर्म फोर्सेज को, तो आप एक्सटर्नल एग्रेशन की तरफ एक्सपोज कर रहे हैं अपनी स्टेट को। सो उसके तहत हमने 121 जो है, बेसिकली दिस इज़ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हमारे पास इसके एविडेंस मौजूद है। एविडेंस के बाद आप ये देखें कि What was the plan, and उसमें resignation demand किए जा रहे थे बहुत सारे। आप देखिए, federal government, provincial government, and then from the armed forces, why were those resignations were demanded? So these are the basic, ये spirit है इन cases की, जिसको आपको हम सबको समझने की ज़रूरत है।